हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बायो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जीव विज्ञान के, जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और मैंने वही क्वेश्चन को लिया यहाँ पे जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 81 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, शुष्क कोदभित लक्षण वाला पौधा है, नागफनी, गुलाब, लहसुन, ये सभी। तो 81 का क्या होगा? जो ए ऑप्शन होता है नागफनी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नागफनी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कौर के प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? सुबेरिन से, लेटेक्स से, पत्तियों से, ये सभी से। तो 82 क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सुबेरिन राइट हो जाएगा। देखिए पुष्प का नर जननांग है, तो क्या है आपका? 83 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो पुमंग होता है, ठीक है। देखिए पुमंग होता है इसका। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पुष्प का मादा जननांग क्या होता है? तो 84 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पुमंग जयांग दलपुंज प्रदल पुंज, देखिए जांग जयांग होता है, ठीक है। देखिए अगर नर का है तो पुमंग हो जाएगा, मादा का है तो जयांग हो जाएगा, जयांग हो जाएगा। देखिए अनिषेक फलन, ठीक है, क्या उदाहरण है? देखिए क्या है 85 का? केला, पपीता, अंगूर, ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। देखिए अनिषेक फलन जो होता है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन की बात है, यहाँ 86 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों से पहुँचाता है, तो क्या हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का? देख लीजिए आराम से। तो देखिए जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक वाला, ये सभी। तो फ्लोएम हो जाएगा। देखिए जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए पौधों को नियंत्रित दृढ़ता प्रदान करना, जल, तो देखिए हाँ दृढ़ता प्रदान करना, ये भी सही है। जल एवं खनिज लवणों का समान करना, ये भी सही है। और ये तो ऑप्शन क्या हो गया? ए बी, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। देख लीजिए 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया इधर, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? 89 नंबर क्वेश्चन है, बैगनी, लाल, हरा, नीला। लाल में होता है, इसको आप डर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है कैसा होता है? 90 नंबर क्वेश्चन है, जो बी ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक हो जाएगा। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, कैल्शियम, लोहा, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिंक, उपरोक्त सभी। इन चार ऑप्शन को आप देख लीजिए, जो बी ऑप्शन होता है जो Fe और Mg, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Fe लोहा, Mg मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का हरा रंग क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या होता है? 92 का। देखिए हरा रंग लोहा, क्लोरोफिल, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन सही है। देखिए क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थितियों स्थितियों में पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा, दिन के समय पौधे क्या होते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नाइट्रोजन छोड़ते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 93 में क्या हो जाएगा? बी पार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ दिया गया 94 नंबर क्वेश्चन, पौधे में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया उत्पन्न संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? तो 94 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होता है यहाँ पे 12, 10, 8, 6 दिया, कोई नहीं, आपका 8 है जो राइट है। 95 फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एथिलीन होता है जो, वो हो जाएगा। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? जो जिंक होता है वहाँ इसकी वजह से होता है, और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसका तो जिंक हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? 97 नंबर क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है टेंसले राइट हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज कितने वीडियो, आज कितने ही क्वेश्चन, ठीक है। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है।